नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2023 टेफ 2023 से दिसंबर जनवरी से दिसंबर तक ऑनलाइन का कार्य जो करना है वो किस प्रकार से करना है, कौन कौन सी ट्रेनिंग भरी जानी है, इसकी सारी की सारी संपूर्ण जानकारी है वो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही ट्रेनिंग सेक्शन हमको कैसे चूज करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए हमको चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि साथियों हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ स्टाफ लॉगिन पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद में जो इंटरफेस आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो प्रोफाइल के नीचे अप्लाई वाला सेक्शन दे रखा है वहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो TAF 2022 पार्ट टू, साथियों पार्ट टू इसलिए दे रखा है क्योंकि ये द्वितीय छमाही का है, जून से लेकर दिसंबर तक का, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का ये टेफ हमको भरना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो इंटरफेस हमारे सामने आता है वो हमारी डिटेल्स होती है। यदि डिटेल्स सही है तो ओके करते हैं। उसके बाद में हमसे छमाही पूछी जा रही है तो जुलाई 22 से लेकर दिसंबर 22 तक ये हमको कर देनी है। उसके बाद में वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय हमको शो हो रही है। यदि ये शो नहीं हो तो आप कक्षा अध्यापक है संस्था प्रधान उनसे कह के आप मैपिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले भाग फर्स्ट है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। भाग फर्स्ट ये चल रहा है। उसके बाद में विगत छह माह में भौतिक उपस्थिति 81% से अधिक यदि है तो हाँ में करें। जितने भी उपस्थिति आपकी रही है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक यहाँ हम अलग अलग नोट डाउन कर सकते हैं। और जो चुनौतियां दे रखी है वो सारी की सारी हम अपने हिसाब से भरेंगे। एक पॉइंट तीन में जो रेटिंग है वो हमको देनी है शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा। उसके बाद में यहां पर शिक्षक और संस्था प्रधान की निष्पादन हेतु जो ग्रेड है उस पर हमको टिक कर देना है। यह सुनिश्चित कर ले कि एक बार लॉक करने के बाद में ये परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक करें। इसके बाद में संस्था प्रधान का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी के कॉलम में लघु हस्ताक्षर करने का जो बात है तो इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद में जो पार्ट टू है उस पर हम क्लिक करेंगे। पार्ट टू में हमारे सामने जो चुनौतियां महसूस की जा रही है शिक्षक साथियों द्वारा उनके बारे में घटते क्रम में ये चुनौतियों को वरीयता देनी है। 1.7 में भी यही कार्य करना है। उसके बाद में शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में योगदान जो है उसके ऊपर राइट का टिक करें, जिन जिन कार्यों में योगदान रहा है, और इसको यहां से सबमिट कर दें। उसके बाद में भाग तीन की बात कर लेते हैं। भाग तीन में हमको प्रशिक्षण की बात करनी है। प्रशिक्षण में हम जो निष्ठा प्रशिक्षण अभी हमने किए हैं उनकी जानकारी भी हम आपको अभी देंगे। यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण किया है तो उसमें यस और नो करें। और पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के बारे में अपनी राय यहाँ देनी है तो उसके बारे में औसत से कम है तो एक दे, औसत है तो दो दे, उस हिसाब से आपकी अपनी राय यहाँ देनी है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। अब हम बात करते हैं कि हमको ट्रेनिंग कौन कौन सी भरनी है, ट्रेनिंग हमको मिलेगी कहाँ पे। तो यहाँ पर हम चलते हैं जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है हमारा वहाँ पे। रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद में निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट के ऊपर हमको क्लिक कर देना है। अब साथियों जितने भी ट्रेनिंग हमने की है यदि ये पेज आपको पूरा न दिखे तो कंट्रोल और प्लस माइनस को एक साथ प्रेस करके आप इसमें से सारी की सारी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमको द्वितीय छमाही की बात हो रही है तो 22 की बात होगी यहाँ,
2022 में हमने जो भी ट्रेनिंग करी है 6 महीने के बाद में, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास केवल एक ही ट्रेनिंग आ रही है जो 27/6/22 को हमने की है। आपके साथ में जितनी भी ट्रेनिंग आई जो आपने की है निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट में जो शो हो रही है उनकी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं। यदि कॉपी पेस्ट काम में ना आए तो आप ये डिटेल है ये एक जगह उतार लें और उसके बाद में इनको भरें। उसके बाद में हमको दोबारा से आ जाना है हमारे टेफ वाले सेक्शन में। टेफ वाले सेक्शन में आने के बाद में जो पार्ट 3 दे रखा है उस पर हम क्लिक करेंगे और सारा का सारा कार्य करने के बाद में हमको फाइनल लॉक कर देना है। यहाँ पर साथियों फाइनल लॉक करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, फाइनल लॉक करते ही ये जो हमारा TAF है ये भरा हुआ प्रदर्शित होने लगेगा PO की जो स्कूल है उसकी ID पे। तो फाइनल लॉक करने से पहले आप आश्वस्त हो ले कि जो डिटेल आपने भरी है वो कम्प्लीटली सही है। फाइनल लॉक करने के बाद में यदि आप कुछ चेंज करवाना चाहें तो PO साहिबान को एप्लीकेशन देके आप इसको अनलॉक भी करवा सकते हैं और जो आपने डिटेल्स भरी है उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। तो साथियों ये थी सारी की सारी जानकारी TAF 2023 में जो भरा जाना है गत 6 माही का उसके बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।